जब लोग कब्रस्तान से आ जाते, अजीब और गरीब आवाजें मुर्दे को सुनाई देने लगती, जमीन हिलने लगती है और दोनों जानिब से दमाती है जमीन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना दग्तल कब्र हक्कुन, कब्र का झटका देना हक है, हर एक के साथ होगा। सहाबी रसूल साद बिन माज के बारे में हुजूर ने फरमाया, उनको कब्र दबा रही थी, कब्र सबको दबाएगी लेकिन कुछ को ऐसे दबाएगी कि उनकी हड्डी पसलियां अलग हो जाए, और कुछ को मोहब्बत से दबाएगी। लेकिन फरमाया कि कब्र जो है उस वक्त अंधेरी और फिर अजीब गरीब आवाजें, तन्हाई अलग, कोई नहीं है करीब, कोई नहीं है। उस वक्त कुछ लोगों की कब्र में ऐसा है कि अचानक एक नूरानी शक्ल का नौजवान सिराने के पास आकर बैठता है और कहता है, मैं तेरा दोस्त हूं, तू घबरा मत, मैं तेरी दोस्ती निभाने आया हूं। मुर्दा पलट करके देखता है, पूछता है, तू कौन है? तो कहता है, मैं अल्लाह का कलाम कुरान पाक, कुरान मुकद्दस रफीक बनकर, अनीस बनकर कब्र में आता है। मेरे अजीजों, इस कुरान से मोहब्बत करो, इस कुरान से मोहब्बत करो।